जी बोलो। मेरा नाम इकबाल शेख है, मैं भी प्रोफेशन टीचिंग में हूँ। अच्छा, आप ही इकबाल शेख। चलिए पहले मैं आपको इनसे मिलाना चाहूंगा। ये वो इंसान है जिसके स्क्रीनशॉट्स ने एक्चुअल में तहलका मचा रखा है। ये वो आदमी है जिन्होंने क्लास लेने से पहले ही सिर्फ अपने वीडियो लेवल्स देख के पैसा छापना शुरू किया। 1 लाख, 1.5 लाख, 30,000, 40,000 पिछले 5 दिन में लगातार पैसा बना रहे हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। और इकबाल भाई बाय प्रोफेशन टीचर हैं, ठीक है। मैंने इनको मजाक में ये भी बोला था कि जब आप क्लास में आने से पहले पैसा बना रहे हो तो आने की जरूरत क्या है, तो इसका जवाब इकबाल भाई खुद ही देंगे। जी, एक्चुअली ऑप्शन चेन ही सब कुछ है और आज मेरा पूरा क्लियर हो गया है। मैंने कोर्सेज भी बहुत किए थे और उस दिन सर से मैंने बात की कि सर मैंने इंडिकेटर लगाना बंद कर दिया जी, और मेरे को टाइम नहीं मिलता है। क्लास में जाता हूँ, फ्री टाइम मिलता है ट्रेड लेता हूँ, सर को स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। और ऑप्शन चेन ही सब कुछ है और कुछ है नहीं। मैं बताता हूँ आपको क्या बहुत 2006 से मार्केट में हूँ, 2008 भुगता है मैंने और डेली बेसिस पे, और मैं स्क्रीन के सामने रहूँगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। सर की दुआ से जी। मैं इतना बोल सकता हूँ किसी दरगाह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या अरे नहीं नहीं क्या बात है क्या एक्चुअली ऐसा नहीं है, बहुत भी जलाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सर ने दे दिया है अभी और सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सब कुछ ऑप्शन चेन में है जी। और स्क्रीन के सामने बैठोगे, इंट्राडे फुल टाइम करना चाहोगे, बिल्कुल लॉस होने का चांस ही नहीं, चांस ही नहीं है। करेक्ट। कल वाली बात है, मैंने एक पहले मैंने 28,500 का बैंक निफ्टी में स्क्रीन शॉट भेजा, टाइम नहीं मिला, क्लास में चला गया, ऑप्शन चेन और चार्ट मैच, फिर 5,000 का स्क्रीन शॉट सर और 4-5,000 बढ़ गए टिल द एंड इट वॉज। और एक मिला शॉर्ट, मतलब 5,000 का मिला 37,500 ऑल प्लस में थे, एक भी लॉस में ट्रेड नहीं था। इसकी वजह से ब्रोकरेज भी कम कट गया। एक्चुअली पिछले 5 दिन में कितना पैसा बनाया टोटल? ऑलमोस्ट मोर देन 2.5-3 लाख के 3 लाख 5 दिन में। क्या बात है, महीने इकबाल जी आपके लिए मेरे पास कुछ है दीपक जी, क्योंकि हमने एक नया इवेंट स्टार्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट न्यू इवेंट इज कि जितने भी अपने स्टार ट्रेडर्स हैं, स्टार या मास्टर या बेस्ट ऑप्शन चेन ट्रेडर गए, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं या जो लोग बिल्कुल दिल खोल के सामने आते हैं लोगों को ये बताने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि यस स्टॉक मार्केट इज़ अ करियर, ये बनाया जा सकता है। आप एक टीचर हैं, टीचर होने के साथ में काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये बहुत कमेंडेबल है। और ये सब सच्चाई यही मिलती है और कहीं मिल नहीं सकती है, ये फैक्ट है। दुआएं अपने पास बहुत हैं, दुआएं अपनी असली कमाई है जिसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम इस मुहिम में कुछ अगर ऐसा हिस्सा बना पाते हैं कि जिसको देख के लोग इंस्पायर हो सकें, तो ये इंस्पिरेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं आज बॉम्बे से, ठीक है। और इसके लिए मैं बॉम्बे वासियों का सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, कि हमने ये इवेंट करने का सोचा यहाँ के लिए। और इसके लिए हमने एक बेस्ट ऑप्शन चेन ट्रेडर का अवार्ड हमने एक निकाला है, ठीक है। एंड दिस गोज टू सर, मेरा नाम जयेश तिपाले है और मैं ऐरोली नवी मुंबई से आया हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और साथ साथ 2-3 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और आपका रोज नेट पे भी, मैं यूट्यूब में भी देखता था, सर जी आप बराबर बताते हो। जब भी हारता था तो बोलता था कि नहीं यार विपुल सर का क्लास करना पड़ेगा, और जीतता था तो लगता था नहीं नहीं 17,500 क्यों डालना है क्यों डालना है भाई मिल रहा है तो। लेकिन बहुत 2-3 फटके जबरदस्त खाए और फिर सोचा कि नहीं अभी जाना है। हमारे कंपनी में एक प्रोसीजर रहता है कि मशीन खराब होने के पहले उसको अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाए, करेक्ट, तो जो लॉसेस है या जो उसका जो नुकसान होता है वो होगा नहीं जी। और आपका क्लास वही है कि जो लॉस होने के पहले अगर कोई आता है जी जी, तो अपना लॉस बहुत सारा बच जाएगा। मैं तो नए लोगों से यही कहूंगा कि सर जी का क्लास जरूर ज्वाइन करें। क्या बात है। और जो नॉलेज मैं जब भी आपका यूट्यूब में देखता था तो लगता था ऐसा ये आदमी क्या बताता होगा। और ऑप्शन चेन रात को मैं 1 से 2 बजे तक स्टडी करता था जी, लेकिन कभी पॉइंट मिला नहीं। और आज जो देखा तो मैं तो बोला यार उस पॉइंट पे घूमता था लेकिन उस पॉइंट पे कभी नहीं आया, काश मिल जाता पैसे बच जाते। लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत इजी तरीके से ये समझ में आया जी। और जरूर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू लवली। मैं अच्छा हूँ दोस्त। ओके, हेलो मैम, हाई वेलकम, प्लीज
आप लोग। हेलो, गुड इवनिंग, मेरा नाम हुसैन है और मैं दुबई से आया हूँ 4 साल बाद सिर्फ क्लास करने के लिए मेरी आंटी के साथ में जी। तो मैंने ये सोचा कि अभी विपुल सर के साथ जाएंगे और उनसे सीख के काम स्टार्ट करेंगे जी। और जितने पहले मैंने 3 साल तक मैंने खाली यही इसको देख रहा हूँ यूट्यूब से पूरा, जब से सर को देखा है मैंने वो सबको मैं छोड़ दिया। क्या बात, थैंक यू उनको भी, क्योंकि उनको भी सब काफ़ी समझाया मुझे इसके बारे में, स्टॉक होता है क्या, मुझे मालूम नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सर के देखने के बाद तो मैंने इतना कन्विंसिंग था सर का फेस ही और उनके जो वीडियोस इतने कन्विंसिंग है कि मैं उसी दिन सोच लिया था कि सर के पास जाऊंगा जिस दिन मैंने वीडियो देखा था। अनफॉर्चुनेटली मैं 6 महीना हो गया, लास्ट 6 महीने तक आपका पुणे के अंदर होने वाला था जी। उसके एक वीक पहले ही मैंने देखा था, मैं आंटी उस टाइम वहीं पे थी और मेरे ग्रैंडफादर वहाँ पे गुजर गए थे, तो उसके रिचुअल की वजह से नहीं हो पाया। पर सर ने बताया टाइम जब आता है तभी जी सही होना है, तभी होता है, तो आज वो टाइम आ गया तो मैं इधर खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। एक बात मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि जितना खर्चा आप लोगों ने दुबई से आने में उठाया उसे तो फीस से ज्यादा है वो खर्चा। yes. तो ये सोचना, बहुत से लोग तो सोचते हैं फीस भी पे करने की नहीं करनी, सच्ची बात। तो आप लोगों ने खर्चा उठाने की जहमत क्यों उठाई? मैं पहले ये बताऊंगी कि इससे पहले मैं ये कौशिक सर को नहीं जानती थी, लेकिन इसको मैं थैंक्स बोलूंगी कि इसने मुझे इंसिस्ट किया, बल्कि इसी ने मेरी टिकट भी निकाली है और ये फीस ये भी यही पे कर रहा है मेरी, क्योंकि मैं तो करती थी। लेकिन मैं आज ये कहूंगी कि मुझे ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टेड, मैंने बहुत सीखा और मैं सर को बहुत थैंक्स बोलूंगी। मैं करती थी तो मैं कहूंगी कि मैं इतनी कामयाब नहीं थी, मतलब मेरा ऐसा होता था कि इतना कमाया फिर इतना निकल गया, इतना कमाती थी फिर निकल भी जाता, लॉस भी हो जाता, बिकॉज जो उन्होंने बताए हैं मेन चीज़ कहाँ पे चेक करना चाहिए, कहाँ पे अपने आप को कंफर्म करना चाहिए कि हम जो कर रहे वो सही है, वो नहीं पता था। मेन चीज़ ये थी जो इन्होंने ऑप्शन चेंज बताई ये देखने की, उससे मैं आज कह रही हूँ कि मैं ज़रूर कामयाब होंगी और वापस आऊँगी इसी वर्कशॉप में। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई इस लाइक माई सन, मैं उसकी बुआ हूँ तो हमारा बचपन से ही है, इसीलिए बुआ भतीजे की जो जोड़ी है वो यहाँ आई है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और बहुत अच्छा लगा आपके सुन के, एंड आप दुबई आइए तो और भी अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इनको काफ़ी डाउट था आपके ऊपर, मेरे भी डाउट था नहीं, इनको काफ़ी डाउट था क्योंकि बहुत से ऐसे दूसरे भी बहुत से हैं जो सिखाते तो हैं पर जो एक्चुअल चीज़ें होती है वो नहीं होता है जी। पर आज मैंने बोला कि आप आओ उसके बाद देखते हैं जो भी होगा वो होगा जी जी। तो भतीजे की मेहनत रंग लाई। हाँ, मैं तो ये कहूँगी, मैं इसलिए उसको थैंक्स कह रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि इसने मेरी फीस दी है, वहाँ से आने की टिकट भी दी, आप पूछ रहे हैं ना कि वहाँ से आने का इतना खर्चा करके काम आया है, तो इसी ने किया है। तो मैं ये चाहूंगी आज इस यहाँ से कि मुझसे ज्यादा सक्सेस हो ये लड़का। ये दुआएं, ये असली दुआएं। मेरा नाम अतुलित यादव है और मैं पिछले बार हालांकि दिल्ली सेमिनार में सर क्या हुआ था, आधा सेशन ही मैं छोड़ दिया था, दूसरे सेमिनार में बैठ गया था। दिल्ली में एक्चुअली हमारे साथ 2 सेशन चल रहे थे और एक में MLM चल रही थी और MLM में आधे टाइम बैठे रहे और मेरे को पता नहीं चला कि मैं दूसरे सेमिनार में हूँ और आधे के बाद खूब हंस लीजिए, आधे के बाद मेरे को पता चला, मतलब फ़ोन किया सर को तो विकास सर उठाए थे फ़ोन और बोले मेरे को कि अभी तक विपुल सर को देखे, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उन्हीं को तो देखने के लिए तभी से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब आएंगे स्टेज पे, दिखा नहीं। लेकिन आधा सेशन मैं कर पाया था, आधा सेशन में बहुत कुछ समझा था और मतलब पहले से मैं ट्रेडिंग करता था तो चीज़ें जो बताए सर उसको मतलब धीरे धीरे अच्छे से मतलब समझने का कोशिश किया और आधा से लगभग अप्रोक्सीमेटली समझ गया था, सर इतनी ईजी तरीके से बताए थे। उसके बाद से मैं जा करके ट्रेडिंग भी किया, यकीन मानिए मैं आधा ही सेशन किया था लेकिन फिर भी मैं लगभग 8 ट्रेडिंग डेज हुए हैं अभी लास्ट से जो सेमिनार हुआ था, उसमें से मैं 65,000 रुपये में बनाया हूँ इसी के बाद, और मात्र कैपिटल मेरा इन्वेस्टमेंट था जो वो 20,000 था। क्या बात है, 3 गुना क्या? 3 गुना अभी मेरे 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 अकाउंट में लगभग 85,000 हो गए हैं। वेरी गुड। और मैं आने से पहले सर को मतलब जब आने से पहले था कि मैं बोला कई बार सर से कि सर मैं स्टूडेंट हूँ एक बार थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए पैसा हम लोगों के पास सर एक्चुअली मेरे पास जो पैसे थे वो मतलब इन्वेस्ट करने भर ही थे, या तो इन्वेस्ट कर लो या कोई सर को पैसे दे दे लेकिन यह था कि
दिया, लेकिन उसको रिकवर करने में मेरे को एक दो दिन भी नहीं लगे और तुरंत रिकवर हो गया. सर रियली इट इज़ ऑसम, और कुछ इसके लिए वर्ड नहीं मैं बोल पाऊँगा, लेकिन सर रियली दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ. और मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं दोबारा आया, पूरा कंप्लीट किया. अब मेरे को सिर्फ एक डाउट था और वही मैं फंस गया एक दो बार, लेकिन मैं लॉस बुक नहीं किया किसी भी. एक बार BPCL में फंसा, अगले ही दिन मैं 21,000 उसमें मैं बना लिया. उससे पहले मैं लिया था, लेकिन एक दिन पहले लिया था, लेकिन उस दिन टारगेट पे नहीं आया, लेकिन अगले दिन आ गया मेरे को. एक घंटा 10 बजे के आसपास लगभग, वो जैसे कि भैया उसी BPCL में उसी दिन शायद पोस्ट किए थे 2 लाख रुपए, हाँ उसी दिन मैं भी मतलब 21,000 में बनाया था. रियली इट इज वर्किंग सर. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जो लोग यहाँ आते हैं सबके सामने बहुत हिम्मत की बात है, सीरियसली बताऊँ, स्टेज फेस करना अपने आप में एक फोबिया है, ठीक है. यहाँ पे आके बात करना, वहाँ पे खड़े होकर बात करने में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है. तो जो लोग अपना डर निकालना चाहते हैं, डर के आगे जीते, प्लीज़ एक बार जरूर आए, है ना. वेलकम सर, वेलकम. हम अतुल शाह, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. विपुल जी को 2 महीने पहले मिला था, एंड आई एम इन टच विथ सिंस लास्ट 3 मंथ्स. आई हैव ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हिम, मेरे को पूना का लेक्चर भरने का था, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज आई कुड नॉट ज्वाइन देयर. और मीन टाइम 2 महीने में, दो नहीं लास्ट 1 महीने में ट्रेडिंग भी किया. वो अपना रोज़ अपने को कॉल आता है, सर ट्रेडिंग का टिप देंगे, ऐसा कोई बंदा मेरे को भी मिल गया. और ज़्यादा से ज़्यादा फटका लगा के गया. देन आई टॉक टू विपुल जी, तो उन्होंने बोला क्या, उन्होंने 2-3 मेरे को चार्ट का ऑप्शन और ये सब बताया था. आई हैव टॉक टू हिम ऑल्सो, एंड रियली आई अप्रिशिएट द वे ही हैज़ रिस्पॉन्डेड, दो आई वॉज नॉट ए स्टूडेंट. बोला अतुल भाई आप रुक जाओ अभी, एंड यू ज्वाइन माई क्लासेज, एंड आफ्टर दैट ओनली यू डू ट्रेडिंग. सर उसके बाद में मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है, एंड आई मेरे को लगता है कि अभी ये सीखने के बाद आई विल बी एबल टू हैव अ गुड ट्रेड ऑन दिस थिंग. बट आई वुड लाइक टू से दैट ही इज सो चार्मिंग एंड ही इज सो कोऑपरेटिव. उनको देख के ही अपने को लगता है कि भाई इनसे, इनके साथ में रहेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मेरा ग्रुप में भी बताऊंगा, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लूजिंग योर सो मच मनी, एटलीस्ट यू शुड ट्राई दिस. आई थिंक दैट यू विल बी सक्सेसफुल. थैंक यू, थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू. मेरा नाम विनोद भाटिया है, मुंबई से ही हूँ. जितना सर को मार्केट में उतना ही साल मेरे को भी हो गया जी. जितना इनको बीज दिया उससे ज़्यादा मेरे को लॉस उस लाखों में. इनका 17,720 है तो 18 लाख के ऊपर तो मेरा लॉस है जी. और अभी आज के दिन ऐसा लगता है कि जो मेरे सर पे काले बादल मंडरा रहे थे वो साफ हो गए. क्या बात है. और आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत बढ़िया. पूर्णिमा का चांद जैसे रोशनी बिखेरता है, इस चांद की भी रोशनी वैसे ही हमारे सब पर बिखेरती रहे, मैं यही चाहता हूँ. और भविष्य में हमारा जो भी कुछ समस्या या प्रॉब्लम आए मार्केट में, बस ये उनको दूर करते रहे, ऐसी मेरी आपसे कामना. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई, थैंक यू सो मच. और ये मैं पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, और मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, ठीक है, कि आई एम द ओनली, इस चीज़ का प्राइड भी है कि आई एम द ओनली पर्सन अवेलेबल टू माई स्टूडेंट्स, है ना. आफ्टर ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप उससे बात करेंगे तो मैं अवेलेबल हूँ. बिजी हूँ, हो सकता है कभी कॉल ना उठाऊँ, बट आपको रिवर्ट कर दूँगा बाद में किसी न किसी तरीके से, ठीक है. या तो वॉइस मैसेज आएगा या व्हाट्सएप मैसेज आएगा या 90% तो कॉल पर बात हो ही जाएगी. मेरा नाम माइकल मुंडेरो है, मैं मैंगलोर से आया हूँ. मेरे साथ दो लड़के और हैं मैंगलोर से जो आए. मैंगलोर से हाँ. मैं एक्चुअली मरीन इंजीनियर हूँ, जहाज में काम करता हूँ. तो वहाँ पे काम करते करते पक गया हूँ मैं अभी. फुल टाइम ट्रेडिंग करने का है. क्या होता है कि वहाँ पे पानी में, समुंदर में रहते हैं तो ज़मीन देखने को मिलती नहीं है. वाटर सिकनेस भी रहती है. हाँ हाँ, सिकनेस हो जाती है, सी सिकनेस, होम सिकनेस. तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि पूरा करियर ट्रेडिंग में बना लूँ. क्या बात है. मुझे लगता है अभी हो सकता है, हो सकता है ये पक्का. आज जो क्लास अटेंड किया सुबह, ऑप्शन चेन सुनने के बाद मैंने 1 महीने पहले YouTube में फॉलो करना चालू किया कुछ लोगों को. वहाँ पे जो सीखा आज सुबह का जो सेक्शन था पूरा मिक्सअप हो गया, गड़बड़ हो गया, मगर दोपहर के बाद सब कुछ पता चला. अभी सब कुछ क्लियर है, लगता है लॉटरी लग जाएगी. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू सर. हेलो एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम ऑल्सो अ कोच फुटबॉल. आई एम टीचिंग फुटबॉल फॉर माई स्कूल एंड द चिल्ड्रन. जस्ट लाइक दिस सर इज टीचिंग अस लाइक ए चिल्ड्रन, आई एम ऑल्सो टीचिंग in my career. So I have been working for the 10 years in my professionally of football.
I am also a national and international player. Oh, wow. So the way he teach in a simple way, so we can easily understand. So I think that I can make a career in this. Very so nice. Hope for the best, I think so. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, very nice, very nice. My name is Nitin Veta. मैं अहमदनगर से हूँ. एक्चुअली एक महीना पहले मैंने आपको एक वीडियो से वॉच करना शुरू किया था. जिनके बारे में वीडियो बनाया था उनका नाम लेंगे हम किसी का भी. उनका भी मैंने क्लास किया. आज तक मैंने बहुत से सेमिनार अटेंड किए. इससे पहले जो सेमिनार मैंने अटेंड किए वो सेमिनार करने के बाद मैंने वो कैश रिकवर किया. पहला आपका सेमिनार है कि जो मैंने सिर्फ वीडियो देख के फीस आपकी रिकवर करके फिर मैं आपके सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ. और मैं हर कोई जो ट्रेडिंग में एज अ करियर करना चाहता है उनके लिए एक ही सजेशन देना चाहूँगा. अगर दिल से वो चाहता है कि मुझे ट्रेडिंग में एज अ करियर करना है तो एक बार विपुल सर से जरूर मिलेगा. थैंक यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. दोस्तों मेरा नाम नितिन चव्हाण है. मैं वही शख्स हूँ जो सुबह से साहब को सर को सीरियस लग रहा हूँ. ऐसा कोई सीरियस नहीं मैं. सॉरी. तो इसके पहले भी मैंने बहुत क्लास किए सर. कम से कम 60-70 हज़ार हमने क्लासेस पे अलग अलग स्पेंड किए हैं. और वो सब चार्ट्स फिबोनाची वह सब कुछ. लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग में बहुत बार ऐसा होता था कन्फ्यूजन हो जाता था क्या करना कौन सा लेना कौन सी मूविंग एवरेज ले लो. तो जैसे एक छोटा सा फंडा था कि कौन सा शेयर 52 वीक के नीचे है 4-5% गिरा तो ले लो 1-2% मिला तो निकल लो नहीं तो ऐसा ही पड़ा रहता है. तो कुछ उसने मतलब कुछ टेक्निक ठीक नहीं था. तो मुझे मेरा दोस्त जो आप आज का क्लास में रिपीटर है उसने परसों ही मुझे बोला आ सकते हो काम. चलो आशीष भाई के साथ हैं? नहीं नहीं आशीष भाई नहीं हरीश दूरी. तो उन्होंने मुझे बोला चलो बोला चलो इतना खर्चा गया थोड़ा और 15,000 डालेंगे करके मैं आया. लेकिन बहुत फर्क है जो आपने सिंपल लैंग्वेज में बताया वो बहुत अच्छा. मुझे कल से मतलब मैं पेपर ट्रेडिंग करूँगा और पूरी उम्मीद है कि इसका इसका नतीजा अच्छा ही होगा. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बहुत बढ़िया जी. मैं मुंबई से विश्वास. मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये मुंबई शहर में इतने स्पीकर इतने एक्सपर्ट लोग आते हैं हर जगह में. मैं मुंबई में देखता हूँ. मैं तो एक्चुअली सर का इसलिए अभिनंदन और ये करना चाहता हूँ इसके लिए कि मैंने इतने लोगों के फ्री सेमिनार अटेंड किए लेकिन इतने लोग भी उनके फ्री सेमिनार में नहीं थे जहाँ ये अपने स्टूडेंट्स लोग जमाए. ये रियल स्टोरी है. यहाँ बैठे हुए मुंबई के हमारे साथियों को मालूम होगा कि इतने लोग उनके प्री सेमिनार में नहीं होते इतने कौशिक सर के. बहुत बहुत शुक्रिया. पेड़ सेमिनार में. थैंक यू मुंबई. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि और लोगों को यही मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर किसी को मार्केट में ट्रेडिंग करना है मार्केट में करियर करना है तो विपुल सर जैसे टीचर्स को अपनाइए और आगे. नहीं मेरे जैसे होंगे तो पूरी दुनिया कवर हो जाएगी. नहीं विपुल सर से ही मिलिए और उनके पास क्लास करके ज्वाइन करके जो भी इंफॉर्मेशन सर बताते और सही में जो स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल है इस तरह से जो उन्होंने सिखाया है वो वही अपना ही है और जो लॉस से बचते रहिए यही मैं एडवाइस करते रहूँगा. बस इतना ही बोलना चाहता. मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा राक्षी है. मैं बीडी से बिलोंग करता हूँ. सर आज तक बहुत लॉस किया है और एक मेरी लास्ट होप थी आपसे जो कि यही है कुछ है जो मुझे प्रॉफिटेबल बनाएगा. और आज सीख के ऐसा लग रहा है कि मैं ज़रूर प्रॉफिटेबल बनूंगा. हो जाएगा पक्का हो जाएगा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. मेरा नाम वैभव पाटिल है. मैं रिपीटर हूँ. मैं 19 में आया था. तो जैसे आपने बताया था वैसा चालू है. एक महीना पेपर ट्रेडिंग किया उसके बाद थोड़ा 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 अभी हाँ जो भी लॉस हुआ था उसका 1/3 रिकवर हो गया. क्या बात है. सर हो गया अच्छे से. यस यस. वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. वेरी नाइस. वेरी नाइस. हाँ जी जी. सर जी आपका वीडियो करीब 2 साल से देख रहा हूँ मैं. एक्चुअली जिस तरह आपका वीडियो देखता हूँ ऐसे यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लोग का वीडियो देखता हूँ. बट क्या हो गया मैं स्टार्टिंग में दो तरह से धोखा खा गया. एक तरह फ्रेंड्स लोग ने बता दिया कि ये सर इधर से कोर्स कर लो वहाँ से कोर्स कर लो. हम लोग ने किया हुआ है और पहले से ही वो लोग भी लॉस में थे फिर भी उन लोग ने बताया कुछ बराबर बताया नहीं और मैं वहाँ से कोर्स कर लिया लॉस में गया.
और जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्टिंग किया था, मेरे एक सर हैं वो शेर खान के मतलब एजेंट है, तो उन्होंने बोला कि योगेश एक काम कर, तो यहाँ से ये चालू कर दे स्टॉक मार्केट में, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में पैसे बना, बाद में बनाएगा, मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं, कुछ ट्रेंड लाइन बोला कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर और तुझे एक हाइट पे ऐसा मतलब काम करना है, मुझे भी उतना कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उनको फॉलो किया, तो ज्ञान साइकिल पे ऐसा कुछ काम कराते थे सॉफ्टवेयर के बेस पे, स्टार्टिंग में थोड़ा जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाया मैं देखा प्रॉफिट हो रहा है, मैंने क्वांटिटी बढ़ाया, बाद में धीरे धीरे ऑप्शन चेन में ऐसे लॉस करते गया। ऑप्शन चेन में सर मैं ऑप्शन में करता था, एक आध बार फ्यूचर में भी ले लिया था। ऑप्शन में लॉस किया कि ऑप्शन चेन में लॉस किया? ऑप्शन में लॉस किया, एक्सिस बैंक का 580 का कॉल आज भी नहीं भूलूंगा मैं, करीब 20 लॉट उठाया था सर ऑप्शन में सर, तो लॉस किया। और मुझे ये नहीं पता था सर कि एक्चुअली ये जो ऑप्शन लेते हैं हम लोग इसका प्रीमियम घटता है, मैं सोचता था ये घट क्यों रहा है, तो ये बाद में मुझे धीरे धीरे यूट्यूब पे और भी सारे वीडियो देखा, मुझे लगा कि ऐसा हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ। फिर एक वापस मैंने एक कोर्स लिया, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर जाके मैंने कोर्स किया, तो वो बोले कि फ्यूचर्स में हमारे इधर ऑप्शन में इतना करते और जो फीस आपने लिया सर उससे डबल फीस था, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरा एक फ्रेंड है प्रशांत नाम का, उसने आपके यहाँ कॉल किया मतलब कोर्स किया हुआ था, उसने मुझे किया कि योगेश जाके वहाँ कोर्स कर सर के पास, मैं बोला तुझे पता है तू बता दे, क्योंकि मैंने इतना वही चीज़ सिखा रहे कि कुछ अलग सिखा रहे, तो उसने बोला एक काम कर तू चला जा पहले, बाद में मेरे से बात करना। आया देखा सर सबसे अलग है, मैं समझा था ऑप्शन ग्रीक सिखाएंगे कुछ ऐसा सिखाएंगे, सबसे डिफरेंट है, अभी मुझे लगता है कि मैं कुछ प्रॉफिट कर सकता हूँ सर, क्योंकि लॉस के बाद तो पिताजी काफ़ी मुझसे नाराज़ थे और मेरे फ्रेंड्स भी बोलने को भी नहीं होता था कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। लोग ऐसा शादी होगी? हाँ सर एक साल हुआ, शुक्र है। स्टॉक मार्केट वालों की शादी नहीं होती है ना। तो मजाक उड़ाते थे, अरे पागल ये क्या कर रहा है स्टॉक मार्केट में, एकदम जुआ है ये सब, मैं ये नहीं करना, मतलब वो खुद ही एडवाइस देके चले जाते थे। और मुझे ये गुस्सा आता था कि मैं किया है लॉस तो मैं प्रॉफिट तो करूंगा आज नहीं तो कल, भले 2-4 साल और लगे तो ज़्यादा नहीं, 4 साल हो गए, लेकिन अभी 2 साल से मैं ये कर भी रहा हूँ, एक डेढ़ साल के आसपास हुआ बंद किया हूँ, बट अब भी जो मैं देखा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप बोले 1 महीने ये करो मैं उसके लिए और 2 महीना देने को तैयार हूँ, बट सर प्रॉफिट गारंटी मैं करूँगा और मैं पिताजी को भी दिखाऊंगा कि मैं जो गलत किया था वो मार्केट नहीं गलत था, वो मेरी गलती थी और कुछ लोगों की गलती थी। तो बहुत खुशी है सर आपसे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं चाहूँगा सर ऐसे ही आप सिखाते रहे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यस मैम। सर मेरा नाम हिमांगी वेतपट है, मैं कल्याण से हूँ। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब है। और सर आप तो परिस हो, हम लोग सब लोहा है और हम लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे तो सोना बनना ही है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर मेरा नाम राकेश सांखला है और मैं रतलाम MP से आया हूँ। सर मेरा काम फर्नीचर बनाने का है और उसमें भी मेरा सर फर्नीचर बनाने में मेरा शौक़ है कि अपने टूल्स परफेक्ट रखता हूँ, मतलब अच्छे टूल्स खरीदने का शौक़ है मेरा। very good, very good. तो 2 साल से मैं इस स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, छोटी मोटी, ज़्यादा लॉस नहीं किया, छोटी सी प्रैक्टिस करता हूँ जिससे कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़े। और पिछले 6 महीने से सर आपके वीडियो देख रहा हूँ मैं, और पहला वीडियो आपका ADX वाला देखा था, तो ऑप्शन चेन मेरे को सीखना था, तो ऑप्शन चेन आज लगा कि सबसे मास्टर टूल है इस में। तो सर ये भी पूरे सिंपल तरीके से इस कॉम्प्लिकेटेड टूल्स को बहुत अच्छे से समझाया आपने सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाय, नमस्कार मुंबई, मी नमस्कार मुंबई निशिता पाटील महाराष्ट्रीयन है। खूब जन संगत कि मराठी लोग शेयर मार्केट मध्य ये नहीं, मैंने घर पे भी बोल दिया कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो घर पे बोला कि अरे प्रोफेशनली तो फोटोग्राफर है, क्या जरूरत करने के लिए, वेडिंग फोटोग्राफर हूँ मैं, जैसे से पास आउट हुई हूँ, लेकिन घर पे भी बोलने लगे कि क्या जरूरत है करने के लिए, उम्र भी कम है, खाली 23 साल की हूँ, पर एक रहता है कि गर्ल्स भी एक आगे जाना चाहिए और ये बहुत अच्छा है जो ये सर सिखाते हैं ना, बहुत आगे जाना चाहिए और सब जे वो जो वो भी जो कोई सिखाते सब अच्छा है और बहुत कुछ काम के लिए आ जाएगा। मैंने अभी कुछ ट्रेडिंग नहीं किया है, खाली डर लगता था कि अरे पैसा जाएगा, तो वही सोच लिया कि लॉस होने से ऐसा कि उनको फी दे दिया मैंने तो वो मेरे को बहुत काम आएगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर प्रोफेशनल। सो ओ कम ऑन प्लीज प्लीज, इतना पाप मत चलिए। थैंक जी। मेरा नाम नीता है, मैं मुंबई से हूँ। ऑप्शन में मैंने काम किया है, लॉस भी किया प्रॉफिट भी किया, बट ऐसा नॉलेज नहीं था कि क्या लॉस क्यों हो रहा था,
आज मुझे पता चला कि लॉस क्यों हो रहा था, मैं गलत कहाँ पर हो रही थी। और मेरी बेटी है जो बीटेक कर रही है, वो उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं विपुल सर का क्लास अटेंड करूँ। और मेरी जो फ्रेंड है यहाँ पर, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया था कि एक बार हम लोग क्लास करते। ये मेरा फर्स्ट ही क्लास है। इसके पहले का नाम क्या है? विशाखा। विशाखा, थैंक यू सो मच विशाखा, थैंक यू। आज लंच टाइम में उसका फ़ोन आया था, कुछ फ़ायदा हुआ है? फर्स्ट सेशन कैसा हुआ है? सर सर ने जो पढ़ाया है वो है क्या अच्छा? उसने मुझे कॉल करके पूछा। मैंने बोला नहीं, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है, जो फीस पे की है वो की है। और मैं हाउसवाइफ से बोलना चाहूँगी कि हाउसवाइफ क्या होता है कि एजुकेटेड होती है, क्वालिफाइड होती भी है, फिर भी उनको घर की जिम्मेदारी संभाल कर, मतलब जॉब नहीं कर रही, स्पेशली इन मुंबई जो लोकल का जो ट्रेन का जो ट्रैवलिंग होता है उससे ज़्यादा थक जाती है। और इतना पेमेंट तो मिलता नहीं, कितना मैक्सिमम मिलेगा? 30,000-40,000। अगर वो उनका इतना ध्यान अगर वो ट्रेडिंग पे देंगे और विपुल सर के पास आके करेंगे ऑप्शन चेन में, तो इनकम जनरेट करेंगे, सेकेंड इनकम जनरेट करेंगे। सो मैं अपने और मेरी बेटी भी यहाँ करना चाहती है, बट अभी वो बीटेक करी तो वो नेक्स्ट ईयर आपका क्लास जरूर करने वाली है, उसको इसमें करना ही है। सो मैं लेडीज को ये मैसेज दूंगी कि विपुल सर का क्लास ज्वाइन करें और आपको कभी पछतावा नहीं होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जादव है, मैं मुंबई से हूँ और 6 महीने सर आपका मैं वीडियो फॉलो कर रहा हूँ। और आपका रेफरेंस सचिन पाटिल मेरे फ्रेंड ने दिया, सचिन पाटिल, यस। और मैं दोस्त के साथ भी आया हूँ जी। तो अभी हम दोनों दोस्त एक कंपनी में जॉब करते, लेकिन दिन भर हम चार्ट के ऊपर ही रट्टा मारते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। एक दिन मतलब 2 दिन प्रॉफिट, 1 दिन लॉस। तो अभी तो व्हाट्सअप, हाँ हो जाएगा, अभी व्हाट्सअप पे रिप्लाई आ जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। क्या बात है, मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया, तालियों से आने में मजा नहीं आया। नहीं, पिछले टाइम आया था मैं जी, और बिना इंटरव्यू दे गया था जी। तो मैं बोला था नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा और इंटरव्यू दूंगा। करेक्ट। तो अभी सेशन तो बहुत अच्छा हुआ, एज यूजुअल मेरे को मालूम है ये जो थिंक लाइक FI एंड ट्रेड लाइक FI वैसा ही मैं सोचता था हमेशा के लिए। तो ऑप्शंस में मैंने हमेशा प्रॉफिट किया है विदाउट स्टॉप लॉस, कभी भी स्टॉप लॉस लगाया नहीं। करेक्ट, करेक्ट। और पहले मैं एक अकाउंट में करता था, अभी मैं 5 जन का और करता हूँ। क्या बात है। तो अभी मैं वो भी सब करता हूँ और फ्यूचर भी करता हूँ और ऑप्शन भी करता हूँ। क्या बात है। और क्लास बहुत अच्छा था और सब लोग आके जरूर एक बार ज्वाइन करो। हाय, गुड इवनिंग, मैं सेकंड टाइम आया हूँ अबू धाबी से। फर्स्ट टाइम जब आया था, फर्स्ट बैच था मुंबई जी, हाँ फर्स्ट बैच था, फर्स्ट बैच मुंबई में आया था। तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा नॉलेज था, इस बार और फिर से रिफ़्रेश होने आया था कि रिफ़्रेश होगा तो शायद कुछ नया और सीखने मिल जाए। लेकिन डेफिनेटली येस, हर बार आता हूँ तो हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया सीख रहा हूँ जी। ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ऑप्शन चेंज क्या है, पहले तो कुछ भी नहीं पता था, अभी एटलीस्ट कोई कुछ बोले तो बोल सकता नहीं है, भाई झूठ मत बोल यार। बराबर है, ऐसे चार झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पता लग जाता है जी। हाँ, और जो न्यूज़ में जो भी देखते हैं ये बताते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग है, ये है, वो है, एटलीस्ट हम खुद एनालाइज कर सकते हैं कि अभी ये सच है या झूठ है। करेक्ट। ऐसे नहीं है कि किसी की बात पर आ गए, यार आज रिलायंस डाउन है बेच दो, ऐसे कुछ नहीं है। पहले चार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं। और ये सब हुआ है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मे आई? I don't have stage fear, but right now I don't have the right words because I have never traded in options. Okay. But what I can say that after doing your seminar, a bit of confidence, you have instilled a little confidence in me that great, I may start working on those lines. But I request that I'll constantly need your support for that, because I have been trading in stock, in cash market, since last few years. Okay. I am good with fundamental analysis, but in technicals I am zero. You have not discussed any technicals here. Ha, nothing. But I have zero exposure. I have not even placed a single trade in options or futures. Never mind. So, बहुत मन हो रहा था that I should come and give you a review. But practical मैं कुछ बता नहीं सकती थी कि अभी मुझे क्या change लग रहा है. That confidence is the only factor that you have given me. Very nice. I hope that in the next session, I have solid figures to show you. Okay. Lovely. All the best.
गुड इवनिंग एवरीबॉडी. जैसा कि विपुल सर ने बताया कि मैं पिछले फरवरी में जो मुंबई में सेशन हुआ था वहाँ पे मैंने कोर्स किया था. उसके बाद मैं कम से कम 3 या 4 महीने तक मैंने विपुल सर को बहुत सताया एनालिसिस भेज भेज के, बट उन्होंने बिना कंटाले मुझे जवाब दिया. एंड थैंक गॉड कि मेरी प्रैक्टिस सही निकली और मैं रेगुलर ट्रेडिंग उसी बेसिस पे कर रहा हूँ. सिर्फ विपुल सर को अभी नहीं पूछता हूँ कि कभी उतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती. क्या बात है, वेरी नाइस. और अभी मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा एक नॉलेज रिफ्रेश करने के लिए और वंस अगेन विपुल सर के साथ मोटिवेट होने के लिए. लास्ट टाइम ट्राई किया था, तबीयत फिर खराब हुई, इस नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं फिर से आके रिफ्रेश हो गया और मोटिवेट हो गया बेसिकली. वेरी नाइस, F5 प्लस हो गया हमारा. थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, लवली लवली. हेलो, मेरा नाम विजय है. मैं 6 से 7 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और स्पेशली इंट्राडे करता हूँ. उसमें भी शॉर्ट करता हूँ बेसिकली, क्योंकि बाय कहाँ से करना है ये पता ही नहीं चलता और कहाँ तक ये जाएगा ये भी पता नहीं चलता. तो सब आपने जो बोला सब इंडिकेटर्स लगाता हूँ, फिर भी कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि लेना या बेचना. तो बेसिकली आपका ये लिखा है ऑप्शन चेन मास्टर क्लास, उसके नीचे एक लिख दीजिएगा यहाँ मिलेगा कॉन्फिडेंस. क्या बात है, थैंक यू. तो वो क्लास करने के बाद अभी कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली आया है और डेफिनेटली आगे पॉजिटिव करता रहूँगा और दोस्तों को भी बताऊंगा कि जरूर क्लास अटेंड कीजिएगा. वेरी नाइस, थैंक यू. लवली. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम विकास सोनी है. मैं पिछले 1 साल से ये काम कर रहा हूँ और मेरा भाई पिछले 10 साल से इस मार्केट में है, मगर अब तक उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा, सब नुकसान ही किया है 2006 से लेकर अब तक का. तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई एक सर हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर, तो आप जाके करके आओ. तो बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा. बोले अगर तेरे को सिखा दिया तो मैं भी चला जाऊंगा. तो ये आज मेरी पहली और आखिरी क्लास है जो मैंने विपुल सर के पास की और अब मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं. भाई को क्या बोलोगे? भाई को बोलूंगा, वो तो अभी अब्रॉड चला गया है. अच्छा, ओके. अब आएगा तो उसको बोलूंगा जरूर जा, नहीं तो ऑनलाइन कर. Very nice. 20 सितंबर से थैंक्स टू निर्मला सीतारमन जी, तब से अब तक इस महीने का समथिंग 255 बना लिया. हाँ, और 1 अप्रैल से अब तक आपसे शिकायत हमेशा रहेगी, मेरा इनकम टैक्स बढ़ जाएगा. 675 हो गया. 675 हो गया, क्या बात है, वेरी नाइस, क्लैपिंग. मैं चाहूँगा कि सब आए एक बार आपके पास सीखे, क्योंकि सचमुच बिना सीखे कुछ नहीं. जैसा कि आपने पहली बार भी कहा था, आओ सीखो फिर करो. तो गुड एक्सपीरियंस और मैं है बराऊँगा. और चेतन ने पिछले एक हफ्ते में कितना पैसा बना दिया वो बता सकते हैं, जिसके स्क्रीनशॉट आ रहे हैं टेलीग्राम पे, वही हैं 276 जी, 6 दिन में जी. हाँ सर, अभी आगे क्या? सर एक्चुअल में इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तकरीबन अप्रैल से पहले का जो था वो डिजास्टर था, जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. उसके बाद में जब आपसे ट्रेनिंग लिया उसके बाद में इनिशियली चीज़ें मुझे क्लियर नहीं थी, तो मैंने कॉल से पूरा कंफर्म किया आपसे. उसके बाद में फिर मैंने चीज़ों को कवर करना चालू किया था. आज की डेट में धीरे धीरे करते करते 20,000 के इन्वेस्टमेंट से अभी के केस में 7.7 का मतलब 7,70,000 का इन्वेस्टमेंट अभी उसमें पोर्टफोलियो में है. और साथ ही साथ ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसको अप्रोक्स 30 लाख के ऊपर मैं नेक्स्ट मंथ तक के पहुंचा दूंगा. क्या बात है, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है. बाकी लोगों के लिए क्या कोई मैसेज जो स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं? जी हाँ सर, कैलकुलेटेड रिस्क लेके टॉप और बॉटम पे यदि खेले तो बिल्कुल पैसा बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है, और ऑप्शन चेन से ही ये पॉसिबल है. थैंक यू जतन, थैंक यू सो मच.